आई डोंट नो व्हाट ही इज सेइंग, चलीस का क्या मतलब होता है? वो एग्रेशन उसमें आते तो उनका बेस्ट निकल के आता बेस्ट ही वो थे। अपने पुराने अवतार में आ रहे हैं, और जो और जहां पे मैं वीक हूं वहां के लिए मैं दूसरा आर्टिस्ट लेके आऊं। तो क्या चाल दगड़े हो, वेलकम टू अवर YouTube चैनल, वी आर ज्वेल ब्रदर्स। आई एम प्रत्यूष ज्वेल एंड दिस इज अक्षय ज्वेल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप व्हाट्स अप व्हाट्स अप, क्या हालचाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, अपनी लेटेस्ट ईपी के बाद और बहुत सारी चीजें सुनने के बाद दोबारा से एमवी बंटा है वापस आ चुके हैं अपने एक नए गाने के नाम, और वो नया गाना भी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है, उसका नाम है 40। आर्टिस्ट और लिरिक्स की बात करें तो एमवी बंटा के हैं, प्रोड्यूस करा है कल्चर ने, मिक्स एंड मास्टर करा है एमवी बंटा ने। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं जो लास्ट ईपी अभी गई है उसमें बहुत ज्यादा कुछ चीजें सुनने को मिली है एमवी बंटा को, जस्ट बिकॉज वो कॉपी पेस्ट एंड ये वाले फंडेज एज यू ऑल नो। अब देखते हैं गाइस, ये नया गाना उसके बाद रिलीज हुआ है और अब देखते हैं कि इस गाने में वो क्या लेके आए हैं, क्या नया लेके आए हैं या फिर वापस दोबारा अपने पुराने वो ही हार्ड को रफ्तार में चले गए हैं, राइट? तो गाइज, ये तो जानकारी थे हमारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी भाई आपको देंगे चैनल के बारे में, सो लेट्स गो। सो गाइज, वी आर बैक वंस अगेन, और भाई इस बार हम एमवे का ट्रैक 40 पर रिएक्ट करने वाले हैं। होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाके हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट। चलिए गाइस, टाइम वेस्ट करे बिना चलते हैं सीधे गाने की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस। जब बात आती है बारिश की तो सबसे बड़ा बेवड़ा में सेम फ्लो सेम वाइब, कुछ तो नया देना बे, कहना मैं चाहता हूँ बस ऐसे पैडल मार, कैपेसिटी वीक बैलेंस कर नहीं पाएगा हैंडल बार्स, है नहीं पास फ्रॉम का पास, इनके पास कौने है कौने है, समझा बार पहला वर्ड है नहीं है, हैवी है चार स्मोक तो हम ले रहे कल घिस घास के फूक डालते जब भी जाते लिरिक कल, मेरे गली आएगा तू बजेगा सिर्फ बीट बॉक्स, बहुत धुआ धुआ कर दिया मैं कर रहा डिटॉक्स, वीक ऑफ ले रहा पर मुझसे नहीं कर पा रहे कॉपरेट, आई सी यू आंखों से डरा देते हो ऑपरेशन सर्जरी फ्लो में वर्बली लू, घर पर ही रो बन्नी दर पे सर चढ़ी तो तेरी बनगड़ी ब्रो पसली तंगड़ी तू, इधर मर्द वाले बास जापेन बंगड़ी अखड़े किधर बाबा उठो यहाँ से चली से, भाई पटेल लो जी आए बस सबसे अपने बनी से, सेशन ऑन बजी से शूटर सारे छबी से आप सारे मरीज है चलो यहाँ से चली से, अखड़े किधर बाबा उठो यहाँ से चली से, भाई पटेल लो जी आए बस सबसे अपने बनी से, सेशन ऑन बजी से शूटर सारे छबी से आप सारे मरीज है चलो यहाँ से चली से, चलो यहाँ से चली से कौन क्या करी से अपन को चालीस है बोल रहा है, चालीस है नहीं, चालीस चालीस है ये चालीस, ओके हमें लगा गाई थे चालीस चालीस है, अब ये चालीस नहीं बोल रहे हैं या उसको चालीस बोल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट ही इज सेइंग, चालीस का क्या मतलब होता है? चालीस चालीस ही होगा गाने का नाम, तभी चालीस बोल रहे हो शायद, क्योंकि सी एच ए एल आई एस चालीस भी लग रहा है, चालीस चालीस भी लग रहा है, पता नहीं अब जब वो जैसे बोल ही रहे हैं वो इसमें। अच्छा, पहले फ्लो की बात कर लेते हैं, एमी वे फ्लो तो खैर मतलब रैपर तो है ही, वो अच्छे अच्छे और फ्लो तो तगड़ा है, तगड़ा रहता है, वो वेरिएशंस लाते ही हैं फ्लो में, और इसमें भी लाए जिस तरह की है उस हिसाब से बहुत सही जा रहा है फ्लो, मतलब ना, और कहीं ना कहीं गाइस वापस अपने वही हार्डकोर अवतार पे वापस आ रखे हैं और आ गए हैं, तो शॉर्ट्स भी लिए हैं ऑफ्स पे एज यूजुअल जैसे उनके ट्रैक में ज्यादातर होता ही है। हाँ। और बोल रहे हैं कि जब बात आती है बार्स की तो सबसे बड़ा बेवड़ा में सेम फ्लो सेम वाइफ कुछ तो नया दे बे, तो वो यही बोल रहे हैं जनता उनसे यही बोल रही है कि भाई सेम फ्लो सेम वाइफ जा रहा है। हाँ, कुछ तो नया दे, और वो ये शॉर्ट भी ले रहे हैं दूसरे रैपर्स पे भी कि भाई सेम फ्लो सेम वाइफ कुछ तो नया देना बे, और कहना मैं चाहता हूँ बस यही सही से पैडल मार, कैपेसिटी वीक बैलेंस कर नहीं पाएगा हैंडल बार्स, है नहीं बार्स फंका फास्ट फेंका फास्ट, इन्हें पास इनके पास कौन है ये, और कॉगनैक समझा बार पहला वर्ड है नहीं है, एवे है चार रहे स्मोक तो हम ले रहे कली घिस घास के फूंक डालते जब भी जाते लिरिकली, तो भाई ले रहे कली देखा तू तो हम ले रहे कली लिरिकली को वर्ड प्ले तो अच्छा करते ही हैं यहाँ पर, अगर देखा चाह रहे स्मोक तो हम ले रहे कली कली वो लिरिकली का और कली मतलब
जो आपका मैरवाना उन चीजों के बारे में बोल रहे हैं, तो बात कर रहे हैं पर अच्छा शॉट लिया है भाई, शॉट अच्छे लिया। और आप देखिए कॉगनैक वाला हो गया, हेनी वाला हो गया, पहला वर्ड हेनेसी का रेफरेंस शायद इसमें दिया गया है, और फिर उसके बाद स्मोक का, फिर कली का, फिर घिस घिस के, तो वही वो अपने पुराने अवतार में आ रहे हैं। और जब वो अपने पुराने अवतार में आते हैं ना, तो एक अलग उनका ना ऑरा चेंज हो जाता है, ये तो मैंने देखा है। आपका उनका कॉन्फिडेंस झलकता है उनकी, चाहे लिरिक्स में हो, चाहे उनके फ्लो में हो, वो एक जो शॉट लेने वाला और एक जो ऑप्स पे हो, तो मतलब ये है ना कि हिट करने वाला जो उनका अवतार है ना, वो उसमें वो बहुत कॉन्फिडेंट और सेफ रहते हैं, मतलब इसे बोले। हाँ, और पता नहीं क्या है कि जब वो एग्रेशन उसमें आते तो उनका बेस्ट निकल के आता है, निकल के आता है, ये तो है। पर वो जब अभी जैसे होल आरटीडी में थोड़ा मेलो हो गए थे, थोड़ा स्मूथ जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो बात बनी नहीं उतनी, बनी नहीं, क्योंकि एक्चुअली उनका जो मेजर जो अप गया है वो इसी जॉनर में, इसी हार्डकोर मॉडल के साथ गया है, और लोगों को आदत है उनको इस तरह देखने की, और जब वो उस अवतार में गए तो वो उस तरह एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए। फॉरन इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप कृष्णा को देखिए, कृष्णा ने अभी जब व्हाट्सअप सॉन्ग निकाला, वो बिल्कुल अपोजिट तरह का गाना निकाला उन्होंने, पर उन्होंने ये चीज ध्यान रखी कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, और जहां पे मैं वीक हूं वहां के लिए मैं दूसरा आर्टिस्ट लेके आऊंगा। बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा गाइस, और वो बहुत अच्छा गया। होल हार्टेडली ले लो, और यहां पर उनका इस ट्रैक की बात कर लो, तो इस ट्रैक में ना जो उनका एटीट्यूड दिख रहा है, जो उनकी एग्रेशन दिख रही है ना, वो बड़ा पॉजिटिव सा नजर आ रहा है, वो उनकी लिखाई में पता चल रहा है, जिस तरह के वो वर्ल्ड प्ले कर रहे हैं, जिस तरह के बार्स यहाँ पर लिखे हैं। पर ये चीज होल हार्टेडली में कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग लग रही थी, और जनता की भी एक्सपेक्टेशन रहती है, पर आपने एक्सपेरिमेंट किया, पर वो भी उस तरीके का वो क्वालिटी निकल के नहीं आई उस एक्सपेरिमेंट की, जो इस तरह की क्वालिटी, क्योंकि बार वैसी हाई सेट करा हुआ था और वो नहीं निकल गया। तो गाइज आगे वो यही कह रहे हैं, हाँ मेरी गली आएगा तो बजेगा सिर्फ बीट बॉक्स, बहुत धुआं कर दिया मैं कर रहा है डिटॉक्स, वीक ऑफ ले रहे रैपर मुझसे नहीं कर कोऑपरेट, आई सी यू आंखों से ही डरा देता कर आंखों से ही देते ऑपरेशन सर्जरी फ्लो मैं वर्बली लूंगी घर पर नहीं रहो घर पर हीरो बन इधर से चढ़ी इधर पे सर चढ़ी तो मेरी बंदी घड़ी ब्रो और बंद घड़ी ब्रो और पसली टंगड़ी तू इधर मर्द वाले बार जा पहन बंगड़ी तो अच्छा जा पहन बंगड़ी वो एक बंदा आता है वो बोलता है वो ये पूरे शॉट ले रहे हैं अपने फ्लो के बारे में बता रहे हैं और कहीं ना कहीं और वो उसी उसमें पूरी तरह से वो ले रहे हैं और बता ही रहे हैं कि मेरे यहाँ पे भाई जब भी तुम आओगे देखोगे तो एक बीट बॉक्स वाला माहौल मिलेगा, मतलब हिप हॉप का माहौल मिलेगा, और जितना भी ये धुआं और जो ये गंद इन्होंने मचा रखे अब मैं उससे डिटॉक्स हो रहा हूँ, और कहीं ना कहीं रैपर्स को वीक ऑफ ले रखा है रैपर्स ने, पर मैं जो हूँ वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह लगा हुआ हूँ काम करने में, एंड आई सी यू आंखों से ही वो मतलब आंखों से ऑपरेशन कर देते हैं हम, इतने खतरनाक हमारे सर्जरी फ्लो सर्जरी इतना ज्यादा सर्जरी फ्लो है और वर्बली हम इतने उनके में जो बाकी ट्रैक्स में कहीं ना कहीं मिसिंग लग मिस हो जाता है, पता नहीं क्यों वो इसी चीज में उनकी एनर्जी हाई रहती है, मतलब कहीं ना कहीं नफरत ही उनको सूट कर रही है, पता नहीं वो होता ना एक तरीके का एड्रेनलिन रश होता है ना जो पीछे से लगता है, वो आपका हर बंदे का अपना रश होता है ना, सही बात है, एक तरीके का डिस्क है उनका, वो क्या कह सकते हैं वहीं से किक मिलती है, वहीं से किक मिलती है, एक तरीके की किक वही है वो उनको उनका डिस और बीफ से ही उनके ना वो किक मिलती है, और वो उसी से प्रोपगेट भी करते हैं आगे, प्रोपगेट भी करते हैं, सही बात है, सही बात है। तो चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं, अभी काफी बड़ा है गाना, क्या करने का है हेटरों की जली से, तू चोर अपन पुलिस है, सीन सीधा खुली से, कौन इसे बोलने दिया अपन इधर बोली से, चाले तो भरती आसमान नहीं धरती, समंदर या कहीं पे भी रे पाताल में भी पड़ती, कम रखते गर्दी यहाँ चलता सिर्फ मर्जी, फाड़ने को शूटर रखे सिलाने को दर्जी, हाँ रैप करूं बस का नहीं जैसे भूखा मैं बरसों से, कब से कर रहा असल जाके पूछने लड़कों से, मैं क्या कर रहा हूँ दे रहे उसी में इंटरेस्ट, मुझसे परेशान जैसे घर चले कर्जों से, गलत ये रास्ता तू पूछ खुद से चला का है, खोया हुआ है तो फिर ढूंढ तेरा कला का है, मेरा दाम सिर्फ काम और मेरे कला का है, पैसा नहीं से पैसे बहुत फिर भी मसला टला का है, चला था दुनिया में करने को में भी दोस्ती आ रही, बड़ा भारी बदले में खाली मी लागत गाड़ी, समझा मैं लाइफ में तू बंदा का बहुत सबकी गाड़ी, बहुत लोगों को लिफ्ट दिया दोस्त नहीं वो थे सवारी, बोला था कक्का मेरा दौर मेरा वक्त आएगा, पेन मेरे जूते बिन खोटे तू भी समझ जाएगा, बिना पूछे मेरे जूते तक कोई आएगा तो
घर नहीं बचका ने करियर सीधा चले जाएगा। अखड़े किधर बाबा उठो यहाँ से चली से भाई पटेल लोड जी आए बस सबसे अपने बनी से सेशन ऑन बजी से शूटर सारे छवि से अब सारे मरीज है चलो यहाँ से चली से अखड़े किधर बाबा उठो यहाँ से चली से भाई पटेल लोड जी आए बस सबसे अपने बनी से सेशन ऑन बजी से शूटर सारे छवि से अब सारे मरीज है चलो यहाँ से चली से बाकी क्या चलने वाले सली से जलने वाले जली से अपने अगली प्यारे लिए ईपी का नाम बजी से क्या बोलते बजी सारे लाए तैयार हो जाओ बाकी मिंटा का नवा गाना आउट हो गया है भंडारे के चैनल पे गॉडफादर ऑफ मराठी हिप हॉप जाके अब भी चेक मारो अब भी म्यूजिक वीडियो आउट हो गया है बाकी ये गाना और मिंटा का गाना सब स्पॉटिफाई ऑडिफाई पे आ गया है जाओ जो करने हैं करी से बजी से चलो मिलते हैं से अभी बोल बात करते हैं इसी चीज के लिए जैसे इन्होंने जो ट्रैक आया है ना मराठी का उसमें हाँ। पूरा एडवर्टाइज कर दिया लास्ट में ना कि एक तरीके का ट्रेलर दे दिया कि मतलब यार आने वाला है देख हाँ। लेना ये वो इसमें कई लोग इन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और कई लोग ना ज्यादातर मोस्टली मैंने जो ट्विटर पे और इधर उधर देखा तो मोस्टली इन्हें उस तरीके से क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं यार ये क्या तरीका हुआ तुम अपने एक ट्रैक में दूसरे ट्रैक का वो कर रहे हो वो भी दूसरे बंदे के तो एडवर्टाइज कर रहे हो वो भी अपने ही रिकॉर्ड का नहीं रिकॉर्ड का बंदा रिकॉर्ड का ऐसा देखा कम जाता है तो थोड़ा सा हाँ पर ये है कि गाइज ठीक है अब देखो गाइज जैसा आजकल माहौल चल रहा है ना अब हमें आपको हमें हम सबको बस ये चेक करना पड़ेगा कि फ्लो फिर कहीं से कॉपी तो नहीं करा गया फिर कहीं से कुछ क्योंकि लास्ट ईपी में हुआ है और आप अगर पीछे भी चेक करोगे मैं भी बहुत हम लोग भी बहुत ज़्यादा रिसर्च देख रहे थे तो कई जगह पर बहुत जगह कॉपी पेस्ट हुआ गया है वो इतना आया नहीं लोगों के उसमें पर लास्ट ईपी में वो इसलिए आ गया क्योंकि NF ऑलरेडी बहुत फेमस ट्रैक है बहुत फेमस NF सर्च का जो ट्रैक है वो बहुत और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो सारी चीज़ें ना खुल गई पत्तों खुल गई और दूसरी बात ये ना कि शायद ये इतना बड़ी कंट्रोवर्सी बनती नहीं हाँ। अगर MUA ना वहां पर बस शुरुआत में वीडियो के एक लाइन क्रेडिट का दे देते कि भाई दिस सॉन्ग इज इंस्पायर्ड बाय NF सर्च हाँ। तो अगर वो इतना लिख देते ना लोग इतना मायने नहीं रखते तुमने बिना क्रेडिट दिए उस आर्टिस्ट को तुमने पूरा का पूरा फ्लो पीछे का ओपेरा का म्यूजिक इवन वीडियो की थीम तक तुमने पूरी कॉपी कर दी यार सब कुछ मतलब था उसमें यार हम वी आर अ बिग फैन ऑफ MUA पर जहां पर जो सच है वो सच है यार तुम उसे डिफेंड नहीं कर सकते डिफेंड नहीं करते जहां पर और उसी वजह से आप देखोगे गाइस होल हार्टेडली के बाद से अगर आप देखो इनके व्यूज उस तरह से नहीं जा रहे जैसे पहले जा रहे थे क्योंकि अब ना चीजें खुल रही हैं लोगों को पता चल रहा है और एक होता है ना अगर एक बार आपके कोई नेगेटिव पॉइंट खुल गया जो आप सच में कर रहे हो काफी साल से और नहीं पता चला पर अब पता चल गया तो वो उसका बहुत गलत इम्पैक्ट उस आर्टिस्ट को झेलना पड़ता है तो वो हो रहा है कहीं ना कहीं राइट तो बाकी देखो गाइस अगर उन्होंने गाना लिखा है इसमें चीजें हैं जिस चीजों पे वो स्ट्रांग है उनमें मना नहीं करते पर अगर वो CNP वाला अगर वो लग जाए पीछे CNP कॉपी एंड पेस्ट वाला अगर वो लग जाए CNP अगर आपके पीछे लग गया है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है वरना देखिए स्ट्रांग है पिछली ईपी में क्रिटिसाइजेशन और उनकी तरफ से इसका कोई जवाब भी नहीं आया तो जिस तरीके का से क्रिटिसाइज उन्हें झेलना पड़ा है ना पिछली ईपी में वो कहीं ना कहीं डेंट तो मार गया उनकी मैच बिल्कुल बिल्कुल गाइस तो अब देखते हैं गाइस गाना तो देखिए अच्छा लग रहा है सुनने में मजा आ रहा है फ्लोज भी है वर्ड प्ले बहुत अच्छा करा हुआ है बस CNP ना हो कहीं उसी की हम उम्मीद करते हैं और अच्छे से उन्होंने इस चीज को कवर अप कर रखा हो राइट तो गाना हमें तो अच्छा लगा है गाइस हम ये नहीं कह रहे गाना पसंद नहीं है क्योंकि जिस जिन चीज़ों पे हमने बात करी है भाई ने बात करी मैंने बात हम दोनों ने मिलकर बात करी वो टॉपिक्स हमें काफ़ी अच्छे लगे और काफ़ी अच्छा गया काम तो राइट तो गाइस ये गाना आ चुका है ऑलरेडी आप जाइए उनके ऑफिशियल चैनल में इस गाने को एक बार चेकआउट करिए सुनिए बताइए अगर आपको कुछ समझ में आया तो ज़रूर हमें हिंट करिएगा हमें जो जो चीज़ लगी हमने वन गो में गाने को सुना और हमने आपको बता दिया राइट और इसका रिएक्शन आपको ज़रूर मिलेगा हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए और बताइए आपको कैसा लगा और क्या क्या चीजें नई आपको सुनने को मिल रही हैं बिकॉज हम भी अपनी रिसर्च पे लगे हैं और आप भी लगे होंगे होप तो जरूर हमसे डिस्कस जरूर करें और हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ जय हिंद जय श्री राम।